लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज में। आइए दोस्तों देखते हैं आज क्या है पेट्रोल और डीजल के भाव, साथ ही जानेंगे सोना और चांदी हुआ कितना सस्ता। दोस्तों पेट्रोल की कीमत में आज 34 पैसे की और डीजल की कीमतों में 37 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कटौती जारी है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल की कीमतों में 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 37 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। पिछले 2 महीने की कटौती के बाद नई दिल्ली और कोलकाता में डीजल 70 रुपए प्रति लीटर के नीचे आ चुका है, जबकि मुंबई और चेन्नई में एक दो दिन में इन दोनों महानगरों में दाम 70 रुपए प्रति लीटर के नीचे आ जाएगा। जानकारों की माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा कटौती देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में ओपेक देशों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें ऑयल प्रोडक्शन गिराने की चर्चा की जा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आज की कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल के क्या भाव हैं। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल के दाम में 34 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 34 पैसे प्रति लीटर की कटौती देखने को मिली, जिसके बाद दोनों महानगरों में पेट्रोल के दाम 72 रुपए 53 पैसे और 78 रुपए 7 पैसे तक पहुंच गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 33 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं, जिसके बाद यहां दाम 74 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 36 पैसे प्रति लीटर की कटौती के बाद यहां दाम 75 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं दिल्ली में डीजल के दामों में 37 पैसे कम हुए हैं, जिसके बाद यहां दाम 67 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता में डीजल के दामों में 49 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं, जिसके बाद यहां डीजल के दाम 69 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में डीजल के दामों में 39 पैसे प्रति लीटर की कटौती होने के बाद यहां डीजल के दाम 70 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं चेन्नई में डीजल के दामों में 40 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है, जिसके बाद यहां डीजल के दाम 71 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। दोस्तों आइए देखते हैं क्या है आज सोने और चांदी के भाव। आभूषण निर्माताओं की ओर से मांग कम रहने तथा डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती से दिल्ली सराफा बाजार में सोना शुक्रवार को 65 रुपए फिसलकर 2 महीने के निचले स्तर पर 31,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी भी 85 रुपए टूटकर करीब 17 महीने के निचले स्तर पर 37,075 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। स्थानीय बाजार में सोना लगातार तीसरे दिन गिरावट पर रहा। सोना 65 रुपए टूटकर 29 सितंबर के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर 31,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 85 रुपए फिसलकर 10 जुलाई के बाद निचले स्तर पर 37,075 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इस न्यूज में इतना ही। आपको हमारी ये न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।